हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के इस लेक्चर सीरीज में आज हम डील करेंगे सेक्शन 12 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट से, जो बेसिकली वोइडेबल मैरिज के बारे में बात करता है। अपने अब तक के वीडियोस में हमने सेक्शन 5 को कवर किया है, जो कि बात करता है कंडीशंस ऑफ अ हिंदू मैरिज। सेक्शन 6 रिपील हो चुका है। 7 डील करता है सेरेमनीज ऑफ हिंदू मैरिज। 8 डील करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज। 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। 10 जुडिशियल सेपरेशन। ये मैं आपके रिवीजन के लिए बता रहा हूं। 11 डील करता है वॉइड मैरिज से, और 12 वॉइडेबल मैरिज। राइट, जब हमने वॉइड मैरिज को पढ़ा तो हमने ये जाना कि वो कोई मैरिज, वो कोई हिंदू मैरिज जो कि सोलेमनाइज हुआ है इन वॉयलेशन ऑफ सेक्शन 5 क्लॉज 1 क्लॉज 4 एंड क्लॉज 5, वो अपने आप में वॉइड मैरिज है, यानी शुरू से ही क्या है, वॉइड एब इनिशियो है, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है, वो क्या है, वॉइड मैरिज है। अब वॉइडेबल मैरिज क्या होता है? वॉइडेबल मैरिज यानी एक ऐसा मैरिज जो कि तब तक उसका लीगल एग्जिस्टेंस रहेगा जब तक आइदर पार्टी टू मैरिज यानी हस्बैंड या वाइफ में से कोई एक कोर्ट में पिटीशन प्रेजेंट नहीं करता है। अगर हस्बैंड या वाइफ में से कोई एक कोर्ट में पिटीशन प्रेजेंट करता है इन चार ग्राउंड्स के बेसिस पर, जिसमें सबसे पहला है इम्पोटेंसी, दूसरा है इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ क्लॉज 2 सेक्शन 5, तीसरा फोर्स और फ्रॉड, और चौथा प्रेगनेंसी। तो अगर हस्बैंड या वाइफ में से कोई एक पिटीशन प्रेजेंट करता है ये कहते हुए कि मैरिज हैज नॉट बीन कंज्यूमेटेड ओइंग टू द इम्पोर्टेंसी ऑफ रेस्पोंडेंट, यानी हस्बैंड इम्पोर्टेंट है या वाइफ इम्पोर्टेंट है, जिसके वजह से मैरिज स्टिल इज नॉट कंज्यूमेटेड, उनके बीच इंटरकोर्स नहीं हुआ है, या दूसरा जो मैरिज हुआ है इट इज बेसिकली इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 5। अभी हम इन चारों पॉइंट्स को डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए आप शॉर्ट में समझो कि अगर कोई मैरिज सोलेमनाइज्ड हुआ है और एक पार्टी कोर्ट में ये प्रूफ कर देती है कि हस्बैंड वाज इम्पोर्टेंट एट द टाइम ऑफ मैरिज एंड स्टिल अभी भी क्या है, वो इम्पोर्टेंट है, जिसके वजह से उनके बीच विवाह के दिन से लेकर के अब तक सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हो पाया है। दूसरा जो मैरिज है इट वॉज सोलेमनाइज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 5। तीसरा मैरिज वॉज सोलेमनाइज अंडर फोर्स और फ्रॉड, और फ्री कंसेंट नहीं था
when the marriage was solemnized. और लास्ट कहता है प्रेगनेंसी, जो वाइफ है सी वॉज ऑलरेडी प्रेगनेंट एट द टाइम ऑफ मैरिज एंड दैट वॉज नॉट बाई हस्बैंड, राइट। तो इन चार ग्राउंड्स के बेसिस पर कोई मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है बाई प्रेजेंटिंग पिटिशन इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, राइट। आइए अब इस सेक्शन को हम डिटेल में कवर करते हैं। देखो वॉइड मैरिज क्या है, वो कोई मैरिज जो सोलेमनाइज्ड हुआ इन वॉयलेशन ऑफ क्लॉज 1, क्लॉज 4, क्लॉज 5 ऑफ सेक्शन 5, वो वॉइड है, यानी उसका कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन इस मैरिज का जो एग्जिस्टेंस है वो तब तक बना रहेगा जब तक हस्बैंड या वाइफ में से कोई एक पिटीशन प्रेजेंट नहीं करता है इन द कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ दीज ग्राउंड्स, राइट। तो एनी मैरिज सोलेमनाइज्ड, बेयर एक्ट क्या कहता है, एनी मैरिज सोलेमनाइज्ड वेदर बिफोर और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के कमेंसमेंट के पहले या इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद कोई विवाह अगर संपन्न हुआ है तो उसे वॉइडेबल माना जाएगा, उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा, डिग्री ऑफ नलिटी पास किया जाएगा कोर्ट के द्वारा अगर दैट मैरिज वॉज सोलेमनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ दीज ग्राउंड्स, जिसमें सबसे पहले कहता है दैट द मैरिज हैज नॉट बीन कंज्यूमेटेड ओइंग टू द इम्पोर्टेंसी ऑफ रेस्पोंडेंट, कि उनके बीच जो विवाह हुआ है वो अभी तक कंज्यूमेट नहीं हुआ है, देयर हैज बीन नो सेक्शुअल इंटरकोर्स बिटवीन दीज स्पाउसेस बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेंसी ऑफ रेस्पोंडेंट, यानी अगर वाइफ पिटीशन प्रेजेंट कर रही है तो किस बेसिस पर कर रही है, कि जो हस्बैंड है ही इज इम्पोर्टेंट एंड मैरिज हैज नॉट बीन कंज्यूमेटेड टिल येट, अभी तक उनके बीच कंज्यूमेशन नहीं हुआ है। अब ये जो इम्पोर्टेंसी है इट मे बी इन टू फॉर्म्स, दो तरीकों से हो सकता है, पहला फिजिकल इनएबिलिटी, हस्बैंड इज नॉट फिजिकली कैपेबल टू परफॉर्म सेक्सुअल एक्टिविटीज, या दूसरा मेंटल इम्पोर्टेंसी, साइकोलॉजिकल इम्पोर्टेंसी, राइट। तो बेसिकली जो बेसिक पर्पज है मैरिज का वो क्या है, कंज्यूमेशन है, राइट। अब इसे अगर हम और डिटेल में समझे तो समझो, अगर हम मान रहे हैं कि हस्बैंड वॉज इम्पोर्टेंट एंड वाइफ इज फाइलिंग पिटिशन अगेंस्ट हस्बैंड ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंसी, तो अगर हस्बैंड एट द टाइम ऑफ मैरिज, विवाह के दौरान, विवाह के समय इम्पोर्टेंट था, जिसके वजह से उनके बीच कभी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ, तो ये एक ग्राउंड है मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कराने का। दूसरा, मान लो जो हस्बैंड था वो पोर्टेंट था एट द टाइम ऑफ मैरिज और उनके बीच कंज्यूमेशन हो गया था, लेकिन आगे चलकर हस्बैंड इम्पोर्टेंट हो जा रहा है, तो अब वाइफ वॉइडेबल मैरिज के लिए पिटीशन प्रेजेंट नहीं कर सकती है बिकॉज मैरिज हैज वंस कंज्यूमेटेड, राइट। तीसरा, हस्बैंड एट द टाइम ऑफ मैरिज इम्पोर्टेंट था, बाद में चल करके पोर्टेंट हो गया, जिसके वजह से उनके बीच इंटरकोर्स हुआ, तो अब वाइफ
पिटिशन प्रेजेंट नहीं कर सकती है अंडर सेक्शन 12। और अगर वाइफ सी इज एबल टू परफॉर्म सेक्सुअल एक्टिविटीज बट सी इज नॉट एबल टू प्रोक्रिएट अ चाइल्ड, अगर पत्नी सेक्सुअल एक्टिविटीज कर ले रही है बट सी इज अनेबल टू गिव बर्थ टू ए चाइल्ड, तो ये ग्राउंड नहीं है मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कराने का अंडर सेक्शन 12, राइट। और यही सेम चीज एप्लीकेबल है हस्बैंड पर भी, इफ हस्बैंड इज एबल टू कंज्यूमेट द मैरिज बट इज नॉट एबल टू गिव बर्थ टू ए चाइल्ड, राइट। तो जो बेसिक पर्पज है मैरिज का अंडर सेक्शन 12 वो क्या है, कंज्यूमेशन है, एंड वंस द मैरिज हैज बीन कंज्यूमेटेड तो आप सेक्शन 12 के तहत पिटीशन प्रेजेंट नहीं कर सकते हो फॉर डिक्री ऑफ नलिटी, राइट। दूसरा क्या है, दैट द मैरिज इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ कंडीशन स्पेसिफाइड इन क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 5। सेक्शन 5 जो कि बेसिकली कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज से डील करता है, इसमें बेसिकली 5 कंडीशंस हैं और हमने ये जाना अगर कोई मैरिज सेक्शन 5 के क्लॉज 1, क्लॉज 4 एंड क्लॉज 5 के वॉयलेशन में तले बनाई हुआ है तो वो मैरिज क्या है, वॉइड है। लेकिन इफ अ मैरिज इज सोलेमनाइज्ड इन वॉयलेशन ऑफ क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 5 तो ये मैरिज क्या है, वॉइडेबल मैरिज है, यानी इट डिपेंड्स अपॉन द पार्टीज टू गेट डिग्री ऑफ नलिटी बाय फाइलिंग अ पिटिशन बिफोर द कोर्ट टू डिक्लेयर देयर मैरिज नल एंड वॉइड। अब सेक्शन 5 का क्लॉज 2 क्या कहता है, बेसिकली अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के बारे में बात करता है और हमने सेक्शन 5 को डिटेल में कवर किया था, ठीक है। तो सेक्शन 5 क्लॉज 2 कहता है एट द टाइम ऑफ मैरिज नाइदर पार्टी यानी हस्बैंड और वाइफ में से कोई भी अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए। यदि हस्बैंड या वाइफ में से कोई एक अनसाउंड माइंड का था एट द टाइम ऑफ मैरिज, जिसके वजह से वैलिड कंसेंट नहीं दे पा रहा था फिर भी विवाह हुआ, तो ये विवाह क्या है, शून्य करणीय विवाह है, वॉइडेबल मैरिज है, राइट। और जो दूसरी पार्टी है वो इस ग्राउंड पर इस मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करा सकती है। दूसरा क्या कह रहे हैं कि कैपेबल ऑफ गिविंग वैलिड कंसेंट लॉफुल कंसेंट बट इट्स सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर टू सच एन एक्सटेंट हैज टू बी अनफिट फॉर मैरिज एंड फॉर प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन। दूसरा कहता है आइदर पार्टी वो कैपेबल तो थे, दोनों पार्टीज की बात हो रही है, ठीक है, कैपेबल तो थे वैलिड कंसेंट देने के लिए, लेकिन मेंटल डिसऑर्डर से इस हद तक ग्रसित थे कि क्या है, अनफिट है फॉर द मैरिज एंड फॉर प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन, तो ये भी एक ग्राउंड है वॉइडेबल मैरिज के लिए। और तीसरा कहता है क्लॉज 2 सेक्शन 5 का तीसरा सब क्लॉज कहता है सफरिंग फ्रॉम रिकरेंट अटैक्स ऑफ इंसैनिटी, उन्हें जो है बीच बीच में पागलपन के दौरे पड़ते हैं, रिकरेंट अटैक्स ऑफ इंसैनिटी, राइट। तो ये है, इफ अ मैरिज इज सोलेमनाइज्ड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ क्लॉज 2 सेक्शन 5 देन दैट मैरिज इज वॉइडेबल मैरिज। जो तीसरा कंडीशन है
force or fraud. At the time of marriage, जब consent जरूरी था तो उस consent को force या fraud तरीके से obtain किया गया. Right. तो for a valid marriage there must be a free consent. एक free consent होना चाहिए. अब इसमें क्या करें कि जो fraud है या जो threat है, ये तीन चीजों को लेकर के या तीन basis पर इन्हें हम classify कर सकते हैं. पहला कहता है material fact कि धोखे में रख करके शादी किया गया, कुछ ऐसी बातें नहीं बताई गई जिन्हें बताना जरूरी था, और जिन्हें अगर जो दूसरी पार्टी है वो बता देती तो शायद जो पहली पार्टी है जो मैरिज करने के लिए तैयार थी वो अपना कंसेंट नहीं देता. तो हाइडिंग ऑफ मटेरियल फैक्ट, किसी जरूरी बात को छुपा करके आपने क्या किया, विवाह कर लिया. फिर नेचर ऑफ सेरेमनी, धोखे में रखा दूसरे पार्टी को, मंदिर ले गए, कहे कि कुछ पूजा पाठ कराना है और धोखे से शादी कर लिया, तो नेचर ऑफ सेरेमनी. राइट. तीसरा कहता है सर्कमस्टांसेस, आपने कुछ परिस्थितियों को छुपाया, जैसे आपने अपना रिलीजन दूसरा बताया या आपने अपना कास्ट छुपाया, तो पहले वो जो सेकंड पार्टी है वो अपना कंसेंट देने के लिए फ्री थी, लेकिन अगर आप उन सर्कमस्टांसेस को, उन परिस्थितियों को डिस्क्लोज करते तो देयर मे बी चांसेस कि वो अपना कंसेंट नहीं देता फॉर द मैरिज. तो आपने फ्रॉड करके उसका कंसेंट लिया. तो इफ अ मैरिज इज सोलेमनाइज अंडर फोर्स, फ्रॉड, थ्रेट, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोर्जन, एंड देर इज नो फ्री कंसेंट एट द टाइम ऑफ मैरिज, या एट द टाइम ऑफ मैरिज आपने उसके साथ फ्रॉड किया था जिसे उसके बारे में उसे बाद में पता चला कि उसके साथ धोखा हुआ है, वो जिस पर्सन के साथ विवाह की है उसे ये लगता था कि वो भी क्या है, हिंदू है, लेकिन वो मुस्लिम था या किसी अदर रिलीजन का था या थी, या इंटर कास्ट मैरिज था, या कुछ जरूरी बातें उसने हमसे छुपाई तो बाद में आपको ये पता चला है. तो आप इन ग्राउंड्स के बेसिस पर भी वॉइडेबल मैरिज के लिए, मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कराने के लिए पिटीशन प्रेजेंट कर सकते. राइट. और लास्ट कहता है दैट द रेस्पोंडेंट वॉज एट द टाइम ऑफ मैरिज प्रेग्नेंट बाय सम पर्सन अदर देन पिटीशनर. तो ये जो ग्राउंड है फोर्थ ग्राउंड, इट इज बेसिकली अवेलेबल इन फेवर ऑफ हस्बैंड एंड अगेंस्ट वाइफ. हस्बैंड को ये पता चलता है कि एट द टाइम ऑफ मैरिज वाइफ ऑलरेडी प्रेग्नेंट है एंड शी इज कैरिंग चाइल्ड ऑफ अनदर पर्सन, तो ये भी क्या है, वॉइडेबल मैरिज का एक ग्राउंड है. नाउ ये तो सब सेक्शन 1 था सेक्शन 12 का, और ये चार क्लॉजेस थे ए बी सी डी. राइट. अब सब सेक्शन 2 क्या कहता है, सब सेक्शन 2 क्या कहता है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सब सेक्शन 1, नो पिटीशन फॉर एनलिंग अ मैरिज. ठीक है, तो कह रहा है कि अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 12 जो भी बातें कही गई हैं उनके बेसिस पर हम कोर्ट में पिटीशन नहीं प्रेजेंट कर सकते हैं. अगर कहता है ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड इन क्लॉज सी ऑफ सब सेक्शन 1 शैल बी एंटरटेन्ड इफ, तो ये जो
क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 12 है, जिसमें हम फोर्स और फ्रॉड के बारे में बात कर रहे हैं। इस ग्राउंड के बेसिस पर पिटीशन प्रेजेंट नहीं किया जाएगा अगर पिटीशन प्रेजेंटेड मोर देन 1 ईयर आफ्टर फोर्स हैड सीज टू ऑपरेट और एज द केस मे बी द फ्रॉड हैज बीन डिस्कवर्ड। तो सिंपल, अगर वाइफ को या हस्बैंड को ऐसा लगता है कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है, राइट, तो जिस दिन उसे ये बात पता चला उस दिन से लेकर के विद इन 1 ईयर उसे पिटीशन प्रेजेंट कर देना है। अगर वो ऐसा नहीं करता है या करती है और 1 साल बीत जाता है, तो इस ग्राउंड के बेसिस पर हम सेक्शन 12 का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं, हम अपने मैरिज को एनल नहीं करा सकते हैं बाय द कोर्ट, राइट। और क्या कह रहा है, पिटिशनर हैज विथ हिज और हर फुल कंसेंट लिव्ड विथ अदर पार्टी टू द मैरिज एज हस्बैंड और वाइफ आफ्टर द फोर्स हैज सीज्ड टू ऑपरेट और एज द केस मे बी फ्रॉड हैज बीन डिस्कवर्ड। तो हस्बैंड या वाइफ को ये पता रहते हुए कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है, अपने फुल कंसेंट के साथ उसके साथ रही और 1 साल बीत गया, तो अब जो है कोई भी पार्टी इस ग्राउंड के बेसिस पर मैरिज को एनल नहीं करा सकती है फ्रॉम द कोर्ट, ठीक है। तो यानी अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ या आपको लगता है कि मैरिज वॉज सोलेमनाइज बट देर वॉज नो प्री कंसेंट, तो जिस दिन फोर्स या फ्रॉड आपके साथ किया गया उस दिन से लेकर के विद इन 1 ईयर आपको पिटीशन प्रेजेंट करना है। अगर आप नहीं करते हो तो आप इस ग्राउंड के बेसिस पर अपने मैरिज को एनल नहीं करा सकते, या आपको पता चलता है कि आपके साथ फोर्स या फ्रॉड किया गया था फिर भी आप अपने फुल कंसेंट के साथ रह रहे हो, तब भी आप इस ग्राउंड के बेसिस पर मैरिज को एनल नहीं करा सकते हो, क्योंकि वहां पे सब कुछ जानते हुए आप अपनी मर्जी से उसके साथ रह रहे थे। अब कहता है, ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड इन क्लॉज डी ऑफ सबसेक्शन 1 शैल बी एंटरटेन्ड अनलेस द कोर्ट इज सेटिस्फाइड। तो ये जो क्लॉज डी है, प्रेगनेंसी वाला जो क्लॉज डी है, पहला दैट द पिटिशनर वॉज एट द टाइम ऑफ मैरिज इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट्स एलिज्ड। तो अब क्या कह रहा है, ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड इन क्लॉज डी ऑफ सबसेक्शन 1 शैल बी एंटरटेन्ड अनलेस द कोर्ट इज सेटिस्फाइड। तो अगर आप अंडर क्लॉज डी सबसेक्शन 1 के बेसिस पर आप पिटीशन प्रेजेंट कर रहे हो, यानी हस्बैंड इज प्रेजेंटिंग अ पिटीशन ऑन द बेसिस ऑफ द ग्राउंड मेंशन्ड अंडर क्लॉज डी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 12, तो इसे एंटरटेन तभी किया जाएगा जब हस्बैंड ये प्रूव कर दे कि वाइफ एट द टाइम ऑफ मैरिज वॉज प्रेग्नेंट एंड ही वॉज इग्नोरेंट अबाउट दिस फैक्ट, उसे इस फैक्ट के बारे में जानकारी नहीं थी। दूसरा, दैट प्रोसीडिंग्स हैव बीन इंस्टीट्यूटेड इन द केस ऑफ मैरिज सोलेमनाइज्ड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट विद इन 1 ईयर ऑफ सच कमेंसमेंट। तो बेसिकली
अगर कोई मैरिज सोलेमनाइज हुआ है बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट राइट, और हस्बैंड इस ग्राउंड के बेसिस पर मैरिज को एनल कराना चाहता है, तो विद इन वन ईयर ऑफ सच कमेंसमेंट, उस एक्ट के कमेंसमेंट के समय से एक साल के अंदर अंदर हस्बैंड को पिटीशन प्रेजेंट करना होगा, यानी विद इन वन ईयर ऑफ सच कमेंसमेंट इफ मैरिज इज सोलेमनाइज बिफोर कमेंसमेंट ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हस्बैंड हैज टू प्रेजेंट पिटीशन विद इन वन ईयर ऑफ सच कमेंसमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ क्लॉज डी. अगर आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है एनी मैरिज सोलेमनाइज बिफोर और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट राइट, तो कह रहे इन केस ऑफ मैरिज सोलेमनाइज आफ्टर सच कमेंसमेंट विद इन वन ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज. अगर इस अधिनियम के कमेंसमेंट के बाद मैरिज सोलेमनाइज हुआ था, विवाह संपन्न हुआ था दो हिंदूज के बीच, और अगर हस्बैंड इस ग्राउंड के बेसिस पर पिटीशन प्रेजेंट कर रहा है राइट, तो जिस दिन उसका विवाह हुआ और जब उसे पता लगा इस चीज के बारे में कि वाइफ इज बीइंग प्रेग्नेंट बाय सम अदर पर्सन, तो विद इन वन ईयर उसे इस पिटीशन को प्रेजेंट करना होगा आफ्टर नोइंग द फैक्ट. And he must be ignorant about this fact. ठीक है राइट, अगर उसे पता था फिर भी वो मैरिज कंटिन्यू करना चाह रहा था और उसके साथ रह रहा था, तो ये कोई ग्राउंड नहीं है राइट. तीसरा कहता है that marital intercourse with consent of petitioner had not taken place since the discovery by the petitioner of existence of said ground. और लास्ट जो ग्राउंड कहता है क्लॉज डी के तहत कि हस्बैंड को जब इस चीज के बारे में पता लगा तो उसने वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया, अगर कर लेता तो मैरिज गेट्स कंजुमेटेड और फिर वो इस ग्राउंड के बेसिस पर अपने मैरिज को एनल नहीं करा पाता. तो आफ्टर नोइंग द फैक्ट दैट वाइफ इज बीइंग प्रेग्नेंट बाय अदर पर्सन ही हैज नॉट परफॉर्म्ड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद वाइफ, तभी वो क्या कर सकता है इस ग्राउंड के बेसिस पर पिटीशन प्रेजेंट कर सकता है राइट. तो ये था सेक्शन 12 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955, वॉइडेबल मैरिज का कॉन्सेप्ट. अब अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इसी सेक्शन के पार्ट 2 को कवर करेंगे, जिसमें हम कुछ केसेस देखेंगे जो आपके बेयर एक्ट में दिया है राइट. तो बेसिकली अगर हम ब्रीफ में बात करें वॉइड मैरिज और वॉइडेबल मैरिज के बीच क्या डिफरेंस है, तो आप कह सकते हो कि जो वॉइड मैरिज है उसका कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, वो void ab initio होता है, शुरू से ही वो शून्य होता है, जबकि voidable marriage तब तक valid marriage होगा जब तक husband या wife में से कोई एक before the court petition present नहीं करता है on the basis of these grounds. void marriage वो marriage होता है जो कि solemnized हुआ है in violation of clause 1, जो कि बाइगैमी के बारे में बात करता है, क्लॉज 4 डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, और क्लॉज 5 सपिंडा रिलेशनशिप. इफ अ मैरिज इज सोलेमनाइज्ड इन वॉयलेशन ऑफ क्लॉज 1, क्लॉज 4, क्लॉज 5, तो वो मैरिज क्या है, वॉइड मैरिज है. लेकिन इफ अ मैरिज इज सोलेमनाइज्ड इन वॉयलेशन ऑफ क्लॉज 2 सेक्शन 5, तो वो मैरिज क्या है, voidable marriage है. और ये grounds थे जिन्हें हमने detail में cover किया. तो अगर ये video आपको informative लगा हो
तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए। अगर आपका कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।